हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे केस फोर फ्री ट्रेड। ये वाला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं और केस फोर फ्री ट्रेड में हम देखेंगे फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। फ्री ट्रेड जिसको हम ट्रेड लिबरलाइजेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। ये वाला टॉपिक आपका चैप्टर नंबर 8 इंटरनेशनल ट्रेड में दे रखा है। आपकी बुक है क्लास 12th की ज्योग्राफी, बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इस टॉपिक को हम अच्छी तरह से कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है फ्री ट्रेड। अब फ्री ट्रेड का मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा व्यापार कर रहे हैं जहाँ पे एकदम फ्री में चीज़ों को एक्सचेंज कर रहे हैं ना, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। इसको हम बिल्कुल आसानी से समझेंगे। ये ट्रेड लिबरलाइजेशन से संबंधित है, ट्रेड में लिबरलाइज करना। आप सबको पता होगा, हमने भी भारत में, इंडिया की अगर हम बात करें, आपने अगर कभी पढ़ा हो 1991 में इंडियन इकोनॉमी में हमने रिफॉर्म्स किए थे, और इन रिफॉर्म्स को हम बोलते हैं LPG रिफॉर्म्स। आई एम श्योर आप सब ने पढ़े होंगे। L का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, P का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, और G का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पे लिबरलाइजेशन का मतलब है कि पहले जो हमने ट्रेड पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, पहले हमने अपनी इकोनॉमी में जो मतलब रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, उन रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना। दिक्कत क्या हो रही थी 1991 से पहले इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में ट्रेड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। इंडिया में बाहर से किसी कंपनी को यहाँ पे व्यापार करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। हमने क्या कर रखा था, ज़्यादातर चीज़ों को सरकार के कंट्रोल में ले रखा था। उससे क्या हुआ, हमारी हालत ख़राब हुई। फिर हमने LPG रिफॉर्म्स लिए, ऐसा नहीं कि हमने डायरेक्ट लिए। IMF और वर्ल्ड बैंक, इन्होंने हमें कहा कि भाई अगर आप ये रिफॉर्म्स लेके नहीं आओगे तो आपकी इकोनॉमी में सुधार नहीं आएगा, और फिर उन्होंने हमें लोन भी दिया। तो उस प्रकार हमने मतलब 1991 में अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म किया, ठीक है, और LPG रिफॉर्म्स लेके आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अभी लिबरलाइजेशन मतलब ट्रेड में जो रेस्ट्रिक्शंस आ रही थी, रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया। रेस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिया तो दो देशों के बीच में या बिटवीन कंट्रीज ट्रेड बढ़ गया, हमारा बाकी देशों के साथ ट्रेड बढ़ गया। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी मिलने लग गई जो हम अपने देश में प्रोड्यूस नहीं करते थे। प्लस पहले जो टैक्स लगते थे दो देशों के बीच में ट्रेड पर, वो टैक्स भी हमने क्या कर दिए, कम कर दिए। तो फ्री ट्रेड में भी क्या होता है कि हम दो देशों के बीच में जो अपनी इकोनॉमी जो होती है उसको ओपन कर देते हैं। इकोनॉमी को ओपन करने का मतलब क्या होता है कि पहले मान लो टैक्स ज़्यादा लग रहा था तो टैक्स को कम कर देंगे, और टैक्स को जब कम कर देते हैं तो सामान की बिक्री जो है बहुत ज़्यादा होती है, और जब सामान की बिक्री ज़्यादा होती है तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज़्यादा होती है, और जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज़्यादा होती है तो बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होती हैं, और जब बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होती हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो पॉवर्टी भी कम होती है। अब जब ये सारी चीज़ें होंगी, लोगों के पास पैसा आएगा तो वो हेल्थ में खर्च करेंगे, एजुकेशन में खर्च करेंगे, और हेल्थ एजुकेशन में जब सुधार आएगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी बढ़ जाएगा। मतलब बहुत सारे इसके फायदे ही फायदे हैं, ठीक है। एनीवे, तो ट्रेड लिबरलाइजेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है, द एक्ट ऑफ ओपनिंग इकोनॉमीज फॉर ट्रेडिंग इज नोन एज फ्री ट्रेड या ट्रेड लिबरलाइजेशन। ऐसा काम जिसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक में जो ट्रेड है मतलब, या ट्रेड के लिए अपनी इकोनॉमी को हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पहले दो देश, एक मान लो इधर इंडिया मान लो और एक तरफ मान लो USA, है ना, दो देशों के बीच में पहले ट्रेड जब करते थे तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत ज़्यादा मतलब टैक्स लेते थे, तो टैक्स की वजह से क्या है, ट्रेड करने में दिक्कत आ रही है। अब इकोनॉमी को ओपन करने का मतलब क्या है, मान लो इंडिया से कोई सामान जा रहा तो इंडिया उस पर जो एक्सपोर्ट पर चार्ज लगाएगा, इंडिया ने एक्सपोर्ट चार्ज कम कर दिया, USA जो इम्पोर्ट पर चार्ज लगा रहा था उसने उसको चार्ज को कम कर दिया, तो क्या होगा, सामान हमारा सस्ते में मतलब जाएगा USA में, USA में हमारे सामान की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इकोनॉमी को ओपन करने का मतलब है कि कोई भी देश, पहली बात तो ध्यान रखना, कोई भी देश अपनी इकोनॉमी में क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है ना। इकोनॉमी ओपन करने का मतलब ये होता है, पहले जैसे मान लो विदेशी कंपनियों को आने की अनुमति नहीं थी, इकोनॉमी ओपन करती तो विदेशी कंपनी आएंगी। अब विदेशी कंपनी आएंगी तो वो अपने प्लांट लगाएंगी, फैक्ट्रीज लगाएंगी तो जॉब्स क्रिएट होंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी तो आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी कम हो जाएगी, देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा। तो ट्रेड को लिबरलाइज करने से क्या होता है, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, जॉब्स क्रिएट होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, GDP ग्रो करती है, सरकार के पास टैक्स कलेक्शन बढ़ता है, तो फायदे ही फायदे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर सरकार बाकी चीज़ों में भी इन्वेस्ट कर सकती है, जैसे सोशल सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन, इन चीज़ों में भी खर्च कर सकती है। तो चीज़ छोटी सी लग रही है मगर इसके इम्प्लीकेशन बहुत बड़े हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है ट्रेड लिबरलाइजेशन। तो ट्रेड लिबरलाइजेशन का सीधा सीधा संबंध किससे होता है, किसी भी देश की इकोनॉमी से होता है ना। और चूंकि चैप्टर अपना कौन सा है, इंटरनेशनल ट्रेड, तो यहाँ पर हम दो देशों के बीच में जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी ट्रेड को लेकर, उनको हम क्या कर रहे हैं, लिबरल कर रहे हैं, वही होता है ट्रेड लिबरलाइजेशन। तो दिस इज डन बाई ब्रिंगिंग डाउन ट्रेड बैरियर्स लाइक टैरिफ्स। तो ऐसा कैसे करते हैं, ट्रेड लिबरलाइजेशन कैसे करते हैं, जो ट्रेड बैरियर्स हमने लगा रखे थे, जैसे टैरिफ को खत्म कर देना, टैरिफ को क्या कर देना, खत्म कर देना। फॉर एग्जांपल, मैं एक और एग्जांपल समझाता हूं, शांति से समझना। तो दो देश हैं, मान लो ये अपना इंडिया हो गया है ना,
और ये सपोज जापान हो गया, ये क्या हो गया जापान। अब मान लो इंडिया से जब हम कोई सामान भेजते हैं, मान लो कोई सामान है, सामान आप लगा लो एक पेन है, ठीक है, एक पेन है जिसकी कीमत है 5 रुपये। इंडिया जब भेजेगा तो उस पर एक्सपोर्ट चार्ज लगाएगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी, मान लो 2 रुपये की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, 2 रुपये की। जब जापान में जाएगा तो जापान ने भी 2 रुपये की क्या लगा दी, इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी, है ना। अब ये पेन कितने का पड़ जाएगा टोटल जापान में, 9 रुपये का पड़ जाएगा, है ना, 9 रुपये का पड़ गया। तो अब ये जो 2 रुपये इधर एक्सपोर्ट ड्यूटी और 2 रुपये यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी, ये ड्यूटी लग, ये ड्यूटी जो लग रही है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, टैरिफ्स बोलते हैं, टैक्स बोलते हैं। तो कितने का पड़ रहा है, 9 रुपये का पेन पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है मान लो। अब ट्रेड लिबरलाइजेशन अगर हो जाए दोनों देशों के बीच में, अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लें तो कहेंगे ठीक है भाई, इसमें हम दो जो 2 रुपये लग रहे हैं इसको हटा के 0.5 लगाते हैं, है ना, 0.5 इधर लगाते हैं, 0.5 इधर और 0.5 रुपये इधर। तो ओरिजिनल पेन का प्राइस कितना है, 5 रुपये, पॉइंट पॉइंट इधर लगा दो तो कितना हो जाएगा, अब ये 6 रुपये का पड़ेगा। तो मतलब ट्रेड लिबर यहाँ पे ये हमने जो टैक्स कम कर दिया ना, टैक्स कम करने से क्या होता है, ये प्रोडक्ट जापान में कैसा पड़ रहा है, पेन सस्ता पड़ रहा है, 6 रुपये का पड़ रहा है। अब लोग ज़्यादा खरीदेंगे या बताओ, पहले ज़्यादा खरीदेंगे, सिंपल सी बात है, अब ज़्यादा खरीदेंगे, अब ज़्यादा खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगी पेन की। तो इंडिया की साइड में इनको फैक्ट्रीज ज़्यादा लगानी पड़ेगी, फैक्ट्री ज़्यादा लगानी पड़ेंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो सरकार के पास टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। तो मतलब एक इकोनॉमी की साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो ट्रेड लिबरलाइजेशन का ये फायदा होता है, अंडरस्टूड। ऐसे ही मान लो आज की डेट में बहुत सारे फोन है, जैसे मान लो आईफोन है, बहुत महंगा पड़ता है, इन पर टैक्स क्या लगते हैं, बहुत ज्यादा लगते हैं, टैक्स कम करवा दो, टैक्स मतलब वही टैरिफ्स कम करवा दो, सस्ता पड़ेगा, ज्यादा लोग खरीदेंगे, है ना। तो ट्रेड लिबरलाइज करने से क्या होता है, जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जब प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं, और जब लोग ज़्यादा खरीदते हैं तो सिंपल सी बात है फायदे ही फायदे हैं इसके, कंट्री वाइज दोनों कंट्रीज को फायदा है, दोनों कंट्रीज को फायदा है, ठीक है। तो ट्रेड लिबरलाइजेशन इनकरेजेस कॉम्पिटिशन बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ फॉरेन कंट्रीज विद डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो इससे क्या होता है, अब जैसे मान लो हमने यहाँ पे पेन भेजा 6 रुपये का पड़ रहा था ट्रेड लिबरलाइजेशन करने के बाद, अब वहाँ की जो कंपनी है वो भी क्या करेंगी, वो भी सस्ता पेन प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगी। तो ट्रेड लिबरलाइजेशन करने से क्या होता है, फॉरेन कंट्रीज और डोमेस्टिक जो मतलब फॉरेन कंट्रीज के जो प्रोडक्ट हैं और डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट हैं इनके बीच में कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। तो डोमेस्टिक कंपनी भी क्या करती है, अपने आप को बेटर करने की कोशिश करती है, अगर बेटर करती हैं तो वो सर्वाइव कर पाती हैं। और कई बार ट्रेड लिबरलाइजेशन की वजह से ऐसा भी होता है, डोमेस्टिक कंपनीज कंपटीशन नहीं कर पाती हैं, और कंपटीशन नहीं कर पाती हैं तो अल्टीमेटली वो बंद हो जाती हैं, ठीक है। तो ट्रेड लिबरलाइजेशन से कंपटीशन को भी बढ़ावा मिलता है, और जब कंपटीशन होगा तो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी आएगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ साथ प्रोडक्ट की कीमत वो सस्ता भी पड़ेगा, ठीक है, और इसका अल्टीमेटली फायदा जनता को होता है। इकोनॉमीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज आर एडवर्सली अफेक्टेड बाई बोथ ग्लोबलाइजेशन एंड फ्री ट्रेड। अब देखो यहाँ पर कितनी अच्छी बात कही जा रही है, ये जो फ्री ट्रेड तो हम कर देते हैं मगर जो बेचारे गरीब देश हैं, डेवलपिंग कंट्री है, इनकी इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ग्लोबलाइजेशन करने से, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा फायदा किसको होगा, यहाँ पर ज़्यादा फायदा होता है डेवलप्ड कंट्रीज को, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज तो क्या सस्ते में दे सकते हैं, कई बार तो क्या ये जानबूझ के सस्ते में देते हैं, और जानबूझ के जब सस्ते में देंगे तो जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे लाइक इंडिया है ना, और छोटे छोटे देश मान लो जो मतलब जिनकी इकोनॉमी बहुत कम है, तो यहाँ पे क्या होता है डोमेस्टिक कंपनी कंपटीशन नहीं कर पाती है, और कंपटीशन नहीं कर पाती है तो अल्टीमेटली वो बंद हो जाती हैं, ठीक है, और बंद हो जाएंगी फिर उसके बाद ये प्राइस बढ़ा देते हैं। तो कुल मिला के ये है कि ट्रेड लिबरलाइजेशन करने की वजह से क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचता है वो किसको पहुँचता है, डेवलपिंग कंट्रीज को पहुंचता है। दीज इम्पोज अनफेवरेबल कंडीशंस ऑन डेवलपिंग कंट्रीज एंड दस डू नॉट प्रोवाइड इक्वल स्टेटस टू कॉम्पीट इन दी ग्लोबल मार्केट। हमने WTO में भी पढ़ा था ट्रेड लिबरलाइजेशन करना, ये इसको कौन प्रमोट करता है, WTO प्रमोट करता है, IMF प्रमोट करता है। तो मैंने बताया था यहाँ पर WTO में कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती हैं जिनसे फ़ायदा डेवलप्ड कंट्री को ज़्यादा होता है, डेवलपिंग कंट्रीज को फ़ायदा कम होता है। तो ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर दी जाती हैं डेवलपिंग कंट्रीज में कि यहाँ पे बराबर बराबर फायदा नहीं पहुँचता है, मतलब ज़्यादा फायदा किसको पहुँचता है, डेवलप्ड कंट्री को, और कम फायदा किसको पहुँचेगा, डेवलपिंग, मतलब ट्रेड लिबरलाइजेशन से ज़्यादा नुकसान किसको होता है, ज़्यादा नुकसान डेवलपिंग कंट्रीज को होता है, बराबर इक्वल स्टेटस यहाँ पे नहीं मिलता, ठीक है। फ्री ट्रेड शुड गिव इक्वल स्टेटस टू रिच एज वेल एज डेवलपिंग कंट्रीज टू एंटर मार्केट। अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि फ्री ट्रेड अगर हम प्रमोट कर रहे हैं तो दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, चाहे रिच कंट्री हो चाहे डेवलपिंग कंट्री हो, रिच कंट्री मतलब डेवलप्ड कंट्री, तो डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, दोनों को इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए दोनों के मार्केट का। और कई बार ऐसा देखा गया है डेवलपिंग कंट्रीज तो अपना मार्केट ओपन कर देती हैं फॉरेन प्रोडक्ट के लिए मगर डेवलप्ड कंट्री नहीं करती, तो इट शुड अलाउ डेवलपिंग कंट्रीज टू कीप देयर ओन मार्केट प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन प्रोडक्ट्स। मैंने बताया ना यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है,
कि इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए मार्केट का, रिच कंट्रीज को भी मिलना चाहिए एज वेल एज डेवलपिंग कंट्रीज को भी बराबर एक्सेस मिलना चाहिए। मगर रियलिटी में क्या देखा गया है, डेवलप्ड कंट्री अपने मार्केट को ओपन नहीं करते डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, और डेवलपिंग कंट्री ओपन कर देते हैं, तो नुकसान किसको होता है, डेवलपिंग कंट्रीज को ज़्यादा नुकसान होता है। इसीलिए यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज को एक ऑप्शन दिया गया है, इसमें क्या ऑप्शन दिया गया है कि वो अपने खुद के मार्केट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपना मार्केट जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अपना मार्केट प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है, अगर सोचो बाहर का ही बाहर का सामान आने लग गया तो डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं, देसी जो कंपनियां हैं, वो धीरे धीरे बंद हो जाएंगे क्योंकि वो कॉम्पिटिशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज की सरकार के पास एक ऑप्शन होता है कि वो अपने मार्केट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, मान लो बाहर से कोई सामान आ रहा है तो उस पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दो, बहुत ज़्यादा टैरिफ मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दो, ज़्यादा टैक्स लगाओगे तो वो महंगा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा तो लोग बाहर के सामान को कम खरीदेंगे, देसी सामान को ज्यादा खरीदेंगे। तो ये डेवलपिंग कंट्री अपने प्रोडक्ट को कैसे बचाते हैं, मतलब अपनी डोमेस्टिक कंपनी को कैसे बचाते हैं, बाहर से आने वाले सामान पे ज्यादा टैक्स लगा देते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है यहां पे डंपिंग का, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, पर ये इसी से संबंधित है, किससे, फ्री ट्रेड से ही संबंधित है। अब फ्री ट्रेड में कई बार क्या देखा जाता है, आप समझना ढंग से डंपिंग का मतलब पहले क्या है। ये मान लो कोई कंट्री है एक्स, इसको मैं नाम दे देता हूँ चाइना, कंट्री का नाम क्या है चाइना, ये कंट्री है बाई, मान लो ये कंट्री है अपनी इंडिया। तो कई बार क्या है, मान लो सपोज ध्यान देना, कोई फ़ोन है, कोई मोबाइल है, चाइना में उस मोबाइल की कीमत है 5000 रुपये, कितनी कीमत है 5000 रुपये, और चाइना क्या कर रहा है उस मोबाइल को इंडिया में भेज रहा है और इंडिया वालों से कह रहा है कि मात्र ये मोबाइल कितने का है 2000 रुपये का है, कितने का है 2000। ध्यान देना, चाइना में वही मोबाइल कितने का है 5000 का है, इंडिया में वो कितने का बेच रहा है 2000 रुपये का। अब यार सोचो इंडिया वाले लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको खरीदेंगे, और इंडियन कंपनी वही मोबाइल बना रही है मान लो 5000 में, कितने बना रही है इंडियन कंपनी वही मोबाइल उसी फीचर के साथ 5000 में बना रही है, तो यार कस्टमर क्या देखेगा, कस्टमर देखेगा यार 5000 रुपये वाला मोबाइल 2000 में मिल रहा है तो मैं तो 2000 रुपये वाला माल खरीदूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, ये 2000 रुपये वाला मोबाइल परचेज करेंगे और 5000 रुपये वाला मोबाइल परचेज नहीं करेंगे। 5000 किसका है, इंडियन कंपनीज ने बनाया है इसको, इंडियन कंपनीज ने बनाया है। अब क्या होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5000 वाले मोबाइल की डिमांड कम हो जाएगी, 2000 रुपये वाले मोबाइल की डिमांड बढ़ जाएगी, एक समय ऐसा आएगा ये 5000 रुपये वाला मोबाइल बनाने वाली कंपनी धीरे धीरे करके बंद हो जाएगी और मार्केट से इसको कंपनी को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब जब ऐसे करके जब कंपनियां ख़त्म होने लग जाएंगी तो चाइना फिर क्या करेगा बाद में, अब इसको पता है कंपनी तो है नहीं, तो ये इसके प्राइस बढ़ा देगा, 5000 कर देगा, फिर 6000 कर देगा। अब इंडिया में तो कोई है ही नहीं, अब चाइना क्या करेगा, एक्सप्लोटेशन करेगा, क्या करेगा, एक्सप्लोटेशन करेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है डंपिंग का। तो डंपिंग में क्या करते हैं, जानबूझकर उसके खुद के देश में जो प्राइस है उससे भी सस्ते प्राइस में दूसरे देश में सामान को बेचा जाता है, या यूँ कह सकते हो डंप किया जाता है। तो डंप करने के पीछे इनका पर्पज क्या होता है, पर्पज ये होता है कि जिस देश में डंपिंग कर रहे हैं उस देश की इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर देना, और इतना बर्बाद कर देना कि जब वो बर्बाद हो जाए फिर प्राइस बढ़ा देना, बाद में फिर उनका एक्सप्लोटेशन करना, ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ डंपिंग। तो यहाँ पे देखो डंपिंग में कंट्री एक्स, कंट्री एक्स एक्सपोर्ट कर रहा है एक प्रोडक्ट को, एक्सपोर्ट प्राइस इज लेस देन द डोमेस्टिक सेल प्राइस, मतलब यहाँ पे कंट्री एक्स में जो भी प्राइस पर वो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है एक्सपोर्ट प्राइस जो है कम है। मैंने बताया ना, जैसे मान लो यहाँ पे 5000 रुपये की प्राइस है कंट्री एक्स में, मगर उसी प्रोडक्ट को कितने बेच रहे हैं 2000 में। तो नीयत इनकी समझ में आ रही है, फिर नीयत क्या है, कंट्री बाई की कंपनीज को बर्बाद कर देना, और जब वो बर्बाद हो जाए तो बाद में इसकी प्राइस बढ़ा देना, फिर कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करना। ठीक है, तो डंप्ड गुड्स आर ऑल्सो पोज ए थ्रेट टू डोमेस्टिक मार्केट एज दीज चीपर गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज हार्म द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, समझ रहे हो ना। इसका मेन पर्पज क्या होता है डंपिंग का, कि जिस देश में ये डंपिंग की जा रही है उस देश की कंपनीज को बर्बाद करना। डंपिंग में जो प्रोडक्ट आता है वो सस्ता आता है, जिस देश से आ रहा है उस देश की तुलना में और सस्ता आता है, तो यही होती है डंपिंग। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग कॉमोडिटी इन ए टू कंट्रीज एट ए प्राइस दैट डिफर्स फॉर ए रीजंस नॉट रिलेटेड टू कॉस्ट इज कॉल्ड डंपिंग। तो मतलब डंपिंग में क्या किया जा रहा है, एक कॉमोडिटी को एक्सपोर्ट किया जा रहा है बिटवीन दो देशों के बीच में, यहां पर प्राइस डिफर है, इसके रीजन क्या है, रीजन इसमें बुक में नहीं दे रखे मगर मैंने आपको रीजन बता दिया। यहाँ पे कॉस्ट का मामला नहीं है, यहाँ पे मामला किसका है कि यहाँ की जो इकोनॉमी है, यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है उनको बर्बाद करना, इसको हम बोलते हैं डंपिंग। एक और डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट एट प्राइस दैट इज लोअर देन इन फॉरेन मार्केट देन प्राइस चार्ज इन दी एक्सपोर्टर्स डोमेस्टिक मार्केट। मैंने वही बताया था ना, मतलब जैसे चाइना है, चाइना एक डंपिंग कर रहा है प्रोडक्ट की, कहाँ पे, इंडिया में,
ठीक है, इंडिया में प्रोडक्ट को कैसे भेज रहा है, सस्ते मार्केट सस्ते मतलब रेट में भेज रहा है, और जबकि खुद चाइना में उसकी रेट क्या है, ज़्यादा है। मगर इसके पीछे इंटेंशन क्या है, इसके पीछे इंटेंशन है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बर्बाद करना, दूसरे देश में इंडस्ट्रीज को बर्बाद करना। मगर यहाँ पर ये जो कंपनी यहाँ पर जो देश बाई है, अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करता है तो इनके पास एक ऑप्शन रहता है, अगर इनको लगता है कि इनकी इंडस्ट्रीज को जानबूझ के हर्ट किया जा रहा है तो ये क्या कर सकते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या हो जाएगा, एक टैक्स हो जाएगा। अगर ये मान लो सस्ता भेज रहे हैं तो उसको ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के महंगा कर देंगे, और कंट्री बाई में जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको ये बचा सकते हैं। ये होता है डंपिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये हुआ हमारा डंपिंग और फ्री ट्रेड, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।